आज मैं वो वाले टेंसेस कराऊंगी जो बड़े से बड़ा बच्चा भी, इनफैक्ट बड़े लोग भी बहुत बुरी तरह फंसते हैं जिन टेंसेस पे, जिन्हें हम कहते हैं परफेक्ट टेंसेस। अगर आप लोग सेवेंथ ऑनवर्ड्स क्लास में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग बड़े हैं, इफ यू आर ऑफिस गोइंग पीपल और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये बात समझिए कि परफेक्ट टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं दो टेंसेस। एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अगर आप तुम मेरा बोर्ड देख रहे हो तो यू कैन सी कि हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वाले वीडियोस देखिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड टेंसेस का सबसे खतरनाक टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, शुरुआत करें। चलो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बहुत पर्टिकुलर जगह पे यूज होता है, वो मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले हम इसका फॉर्मूला याद करते हैं। ना याद है ना, मैंने कहा था टेंसेस के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला याद, टेंस याद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। देखो, कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी तो लगना ही है, वी नो दैट कॉन्टिन्यूस टेंसेज यूज आईएनजी, राइट? सो ईट बिकम्स ईटिंग, स्लीप बिकम्स स्लीपिंग, तो ये तो आईएनजी तो लगना ही है। एक तुमने विल, क्योंकि फ्यूचर है तो विल, कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी। बस एक चीज याद रखनी है फॉर्मूला में, वो है बी। सो विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, करेक्ट, ओके। अभी कहां यूज होता है? ये ऐसी सिचुएशन में यूज होता है जब हमें पता है कि कल फ्यूचर में एक एक्शन होने वाला है और वो उस समय पे कंटिन्यू करेगा, मतलब चलता जाएगा लंबे समय तक वो एक्शन, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। मतलब मैं समझाती हूँ। तो मान लो अभी 12 बजे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि कल 12 बजे ना मैं टेस्ट ले रही होंगी, यानी कल की बात है तो फ्यूचर टेंस, और मैं एक एक्शन कर रही होंगी, द एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग, मेरा एक्शन खत्म नहीं हुआ, हो नहीं चुका, कल होगा और इस समय पर टेस्ट चल रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो दिस टाइम, कल इस समय पे आई विल बी टेकिंग टेस्ट, मैं क्या कर रही होंगी, मैं टेस्ट ले रही होंगी, विल प्लस बी प्लस टेक आई एन जी, टेकिंग टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बड़ा सिंपल है, टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी गोइंग टू द मार्केट, और I will be going tomorrow to see a movie. ऐसे इस तरीके से जब हम कल की बात कर रहे हैं और एक एक्शन जो कंटिन्यूसली चल रहा है उसको दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब क्लियर। देखिए, छोटे बच्चे जो है उन्हें आता है फिल इन द ब्लैंक, और फिल इन द ब्लैंक में बहुत क्लियरली बताया होता है ये वाला टेंस भरो। लेकिन सेवंथ ऑनवर्ड्स देयर आर नो फिल इन द ब्लैंक्स पर्टिकुलरली, होते हैं लेकिन मेरे हिसाब से सेवंथ के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक बिना किसी क्लू के फिल करना आना चाहिए। और यही बात अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th में हैं, देन यू शुड बी एबल टू यूज टेंसेस इन योर लेटर राइटिंग, इन योर आर्टिकल राइटिंग, आपको ये लिखना आना चाहिए। तो और अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग में, इस सब में इसको यूज करना आना चाहिए। तो इसलिए आपको रूल याद रखना है। रूल क्या है? अगर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है जो कंटिन्यू करेगा तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करेंगे। ठीक है, All good, clear, very good. Now let's come to the second tense जो ज़्यादा खतरनाक है, which is present perfect. इस tense का पहले formula पे ध्यान दो. Look at this. Has या have plus third form of verb. Remember हमने forms of verbs किए थे? तो forms of verbs में पहला form होता है base form, eat. Second form past form, ate. Third form past participle form, eaten. परफेक्ट टेंसेस में चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, बिना सोचे हुए, मतलब आपको सोचना ही नहीं है, आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। जहां आपको सेंटेंस में हैज हैव हैड दिखा वहां थर्ड फॉर्म ही लगेगी, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। अगर आप ये बात याद रखेंगे आपके परफेक्ट टेंसेस कभी भी गलत नहीं होंगे। ओके, परफेक्ट टेंसेस में हैज आता है सिंगुलर के साथ, हमें पता है शी हैज, ही हैज, और have आता है प्लूरल के साथ, they have, we have। एक I exception है और एक you exception है। I के साथ भी have ही आता है, you के साथ भी have ही आता है, has नहीं आता, इसको याद रखना। तो has, have plus third form, ये तो हो गया formula, हमको याद है has, have, third form। ठीक है, अब करते हैं
करते हैं इसके रूल्स। नाउ रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप रूल्स याद रखेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। पहला रूल, एक्शन स्टार्टेड एंड इज स्टिल, एक्शन स्टार्टेड लिटिल बैक मतलब इन द पास्ट, थोड़ा सा पहले एक्शन शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। जैसे ही हैज लिव्ड हियर फॉर इयर्स, मतलब वो इस घर में कई सालों से रह रहा है और वो अभी भी रह रहा है, कई साल हो गए रहते हुए, यानी एक्शन रहने का कई साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, अभी भी यहीं पर रह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। देखा, ही हैज लिव्ड हियर फॉर इयर्स, She has not eaten for years, मतलब कई सालों से खाना नहीं खाया और अभी भी खाना नहीं खा रही है, ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, गुड। ऑलराइट, सेकंड थिंग, एक्शन हैज जस्ट कंप्लीटेड अ लिटिल व्हाइल बैक, अभी अभी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर पहले ही एक्शन खत्म हुआ है, जैसे मैंने अभी खाना खाया, अरे मैंने अभी अपना काम फिनिश किया। जब ऐसी सिचुएशन हमें बतानी होती है तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, I have just finished dinner. See, कई बच्चे मुझे यहाँ पे पूछते हैं कि मैम ये पास्ट में क्यों नहीं आना चाहिए? तो अगर मैं बोलूँ I have finished dinner, उसे ये पता चलता है कि मैंने खाना खा लिया, मैंने डिनर खत्म कर लिया, लेकिन ये नहीं पता चलता कब खत्म किया। प्रेजेंट, अभी थोड़े पांच मिनट पहले खत्म किया, इसमें मैं सिंपल पास्ट नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंपल पास्ट तो पुरानी चीज के लिए भी यूज होता है। अब अगर मुझे किसी को बताना है that I have just, बिल्कुल अभी फिनिश किया है थोड़ी देर पहले, तो आई विल यूज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव जस्ट फिनिश्ड डिनर। क्लियर है? सेकंड रूल भी क्लियर, गुड। थर्ड रूल, एक्शन हैज कंप्लीटेड अ लॉन्ग टाइम बैक बट उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट पे है। कई बार क्या होता है, हमारा एक्शन काफी दिन पहले हुआ, आपने कुछ पहले दिन किया, लेकिन उसका असर अभी अभी हाल फिलहाल हमारे प्रेजेंट पे दिख रहा है। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखो, ही हैज ईटन ऑल फूड सो नथिंग इज लेफ्ट फॉर यू। मान लो तुमने आके मुझसे बोला मैम कुछ खाने को दे दो, मैंने कहा भाई उस बंदे ने ना सारा खाना खा लिया। अब ये एक्शन कब हुआ था? पहले पहले हो चुका है, लेकिन उसका असर आज में है, प्रेजेंट में, क्योंकि तुम मुझसे अभी खाना मांग रहे हो, तो अभी में मुझे बताना पड़ेगा that he has eaten all food, वो खाना खा चुका है, so there is nothing left for you, तो आपके लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसी सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? या तो प्रेजेंट परफेक्ट पहली बात तो वहां यूज होगा जहां पे एक्शन पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, ओके? या फिर वहां पे होगा जहां एक्शन बस अभी अभी हुआ ही है, तो हम उसको पास्ट में नहीं डाल सकते, तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। या फिर एक एक्शन है जो काफी पहले हुआ था लेकिन उसका असर, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि अभी उसके बारे में हमें बात करनी पड़ रही है, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। एक और टिप है प्रेजेंट परफेक्ट की जिसका आप ध्यान रखेंगे, अगर सिंस और फॉर यूज हो रहा है सेंटेंस में तो काफी चांसेस हैं कि यहाँ पे परफेक्ट टेंस ही लगेगा, चाहे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट लगे, चाहे पास्ट लगे, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगे, लेकिन लगेंगे परफेक्ट टेंसेस ही अगर सिंस और फॉर सेंटेंस में है, ठीक है, आगे क्लियर। तो एक क्विक फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहाँ यूज होता है, फॉर्मूला क्या है, will plus be plus ing वाला verb, और हम इसको तब यूज करते हैं जब फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू होने वाला है, आगे कल होने वाला है लेकिन लंबे समय के लिए चलेगा, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करेंगे, ओके, ग्रेट। प्रेजेंट परफेक्ट कहा, अगर हमारा एक्शन शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, अगर अभी अभी हुआ है तो भी, और अगर पहले खत्म हो गया था लेकिन उसका असर अभी प्रेजेंट पे है तो भी। फॉर्मूला याद रखना, भूलना मत, has, have plus third form. Tip number one, perfect tenses में खाली third form आएगा, don't forget this. Second, since and for sentence में है तो perfect tenses ही लगेगी। I hope you are clear with these tenses. अगले tenses करेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो like, share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Till then, bye bye.